जो अपने सर्वाइवल जो है भीख मांग के जो करता है वो उसमें कैसे ट्रांस कैसे चेंज आए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आए वो अप, कैसे एक अच्छा व्यक्ति बन गया उसने कैसे अल्कोहल छोड़ दिया शराब छोड़ दिया और अपने लाइफ को अच्छी लाइफ उसने स्पेंड की तो हम आगे इस चैप्टर में ये देखेंगे कि इस बेगर के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आए किसने उसे हेल्प किया ट्रांसफॉर्मेशन लाने में तो यहाँ पे एक ब्रीफ साम्री में देना चाहूंगी इस चैप्टर की

वो जो है जो बेगिंग के लिए जब वो बेग कर रहा था तो वो एक एडवोकेट से मिलता है उनका नाम है सर्गी और उन्होंने उसे काम दिया उसने बेगिंग के लिए कुछ उसने अमाउंट दिया कुछ चीजें नहीं दी उन्होंने उसे वर्क दिया और उसने कौन सा वर्क दिया कि उनके घर में उसे लकड़ियां काटनी है और जब वो उसके घर ले आया तो उसके कुक को उन्होंने बोला कि जाओ उसे बताओ कि कहा लकड़िया रखी है द बेगर वॉज टू वीक एंड वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल ही कुड बेरली स्टैंड ऑन हिस्ट वो बेगर जो है उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि वो एल्कोहल पी पी कर वो अपने पैरों पर पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था तो जो है उसकी हालत बहुत ही अनस्टेबल थी स्टिल द कुक उलगा वु बिन चॉप्ड अब उलगा ने फिर भी क्या बोला उसने बोला कि ये जो लकड़ियां हैं वो कट चुकी हैं उन्होंने ऐसे ही उसको बोल दिया उनके मास्टर को बोल दिया कि लकड़ियाँ उन्होंने काट दी है वुड अब यहाँ पर जो है जब uh, सर्गी को उनके कुक ने बोला कि उस व्यक्ति ने वो लकड़ियाँ चॉप कर दी है तो वो जो मास्टर वो खुश हुए और उन्होंने उसे पे किया फिफ्टी कॉपिक फॉर चॉपिंग द वु हिम टू कम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ़ एवरी मंथ फॉर इट और हर महीने के पहले तारीख को आकर वो पैसे ले जाए समटाइम इंस क्रीम टू शो वेल द स्नोज और टू सेट द वुड इन टू द शेड और टू डस्ट द रग्स अलग अलग उसको काम बताए गए कभी उसको बोला गया कि तुम जो है स्नो को हटाओ कभी बोला गया कि लकड़ियों को शेड में रखो कभी बोला कि जो रग्स है कपड़ों पर डस्ट है उन सबको वो हटाएं तो ही वुड पे बिटवीन ट्वेंटी टू फोर्टी टॉपिक्स एंड वंस गेव हिज ओल्ड ट्राउजर्स टू हिम टू और कभी उसे ट्वेंटी या फोर्टी अब अकॉर्डिंग टू द वर्क ही वुड बीन पेड और एक बार उन्होंने उसको अपने ओल्ड ट्राउजर्स भी दिए वेन हाउस ही एम्प्लॉयड द बैगर टू हेल्प हिम ट्रांसपोर्टिंग द आर्टिकल्स अब एक बार उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया तब भी उन्होंने उसे वर्क दिया कि तुम जो सामान है वहाँ से वहां ले जाने में भी आप हमारी हेल्प करें द बगर द बेगर हैड चेंज्ड एज ही बैगर है डे एंड सर्गी अब क्या हुआ जब उन्होंने देखा क्या देखा कि बेगर जो है वो चेंज हो गया है वो सोबर हो गया है वो सेटिस्फाइड हो गए कि उन्होंने जब उसे काम दिया तो वो जो है ड्रंकर से रिफॉर्म हो गया चेंज हो गया एज यू गुड रीड एंड राइट सर्गी आस्ट हिस्स नेम वो पढ़ लिख सकता था तो उन्होंने अपना नाम पूछा उससे ऑफोड हिम बेटर वर्क एंड शूक हैंड्स विद हेम और उसने कहा कि मैं तुम्हें और भी अच्छा वर्क दूंगा और उसे हाथ मिलाया आफ्टर द डे लश्कूफ द बेगर वॉज नेवर सीन उस दिन के बाद वो कभी भी नहीं दिखा आफ्टर टू ईयर्स सर्गी वॉज बाइंग अ टिकट आउटसाइड द थिएटर एंड स्पॉटर लश्कूफ उसके बाद कभी दिखा उन्होंने कहा कि मैं अच्छा वर्क दूंगा उसके बाद तो कभी दिखा नहीं फिर जो है वो दो साल बाद वो देखा जब सर्गी जो है थिएटर के बाहर टिकट खरीद रहे थे लशकूफ वॉज वेल ड्रेस्ड एंड वॉज बाइंग अ टिकट ऑफ द गैलरी एरिया अब यहाँ पे लशकूफ जो है बहुत ही अच्छे वेल well ड्रेस दिख रहा था और वो गैलरी की टिकट खरीद रहा था मतलब थोड़े अच्छे से लेवल की टिकट वो वहां पर खरीद रहा था सर्गी वॉज ग्लैड टू सी हिम एंड कॉल्ड है बहुत खुश हुए उन्हें देखकर उन्होंने उसे बुलाया लशकूफ वॉज नाउ वर्किंग एज अ नोटरी एंड अर्नड थर्टी फाइव रूबल्स अ मंथ अब लशकूफ जो है वो बहुत आ, अच्छे उदे पे वर्क कर रहा था नोटरी पे वर्क कर रहा था उसे थर्टी फाइव रूबल्स मिल रहे थे पर मंथ ही थैंक्स सर्गी फॉर हेल्पिंग हिम आउट ऑफ अ पिट फॉर हिस काइंडनेस अब सर्गी ने जो है सर्गी को उसने थैंक यू बोला कि उसके काइंडनेस के कारण उसे सब कुछ हुआ उसके साथ लस्कूफ टोल सर्गी दैट इट वॉज नॉट फॉर हिम बट फॉर हिज कुक उसने बोला कि ये जो है उसके लिए नहीं उसके कुक के लिए है ये आज जो रियलिटी है वो बता रहा था ओल्गा दैट ही वॉज अ चेंज्ड मैन उनके कारण नहीं उनके कुक के कारण वो पूरा चेंज्ड हुआ है एज अ मैन शी कुड स्कोल्ड हिम क्राई फॉर हिम एंड चॉप द वुड फॉर हिम हर बिहेवियर ट्रांसफॉर्म्ड लस्कूफ विद दिस वेंट टू द थिएटर उसने कहा कि वो जो है उनके कुक का जो बिहेवियर था सब चीज़ें वो कुक उनके लिए करती थी सारी चीज़ें चॉप करना वुड चॉप करना वो उसे का डांटती भी थी चिल्लाती भी थी उनके ऊपर और ये उसके कारण जो है लस्कूफ ने अपने बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और उसके बाद इतना बोलकर वो थिएटर वहाँ से चले गए अब हम यहाँ पर चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे Page number 62 from Movement Textbook. Kind sir, have pity, turn your afternoon to a poor, hungry man. For three days I have had nothing to eat. I haven't five copecks for a lodging. I swear it, sir, before God. For eight years I've was a village school teacher, and then I lost my place through interviews. I fell a victim to मी It is year now since I have had nothing to do. वो यहाँ पर जो है सर के सामने बैक करता है और बोलता है अपनी हालत बताता है यहाँ कॉपिक्स क्या है रशियन कॉइन है इक्वल टू वन हंड्रेड ऑफ अ रूबल अब इंट्रग्यूज मीन्स मेक सीक्रेट प्लान टू समिंग और डिटर्मिनल टू समन कुछ ऐसी चीजें जो कह सकते हैं कि जो खुफिया तरीके से होती है कैलीमिन द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डी फ्लेमेंटरी स्टेटमेंट अबाउट सम वन इन ऑर्डर टू डैमेज द रेपूटेशन यहाँ पे वो जो बताता है लशकूफ उसके बारे में वो क्या कहता है यहाँ पर यही कहता है कि उसके उसके लिए कुछ साजिश सोची गई थी और उसको ब्लेम कर दिया गया था लोगों के थ्रू उसके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया था और एक साल से उसके पास वो नौकरी नहीं है तो इसलिए वो बेक कर रहा है उसे कह रहा है कि तीन दिन से मैं कुछ नहीं खाया और मुझे लॉजिंग के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं ठीक अ मैन वाज बेगिंग एम्स ही सेट दैट ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट थ्री डेज ही डिड नॉट इवन हैव कोपेक्स टू पे फॉर अ रूम टू स्पेंड द नाइट एट और उसने बताया कि एक व्यक्ति जो है वो हेल्प मांग रहा था उसे कह रहा था कि उसने तीन दिन से पिछले तीन दिन से कुछ खाया नहीं और उसके पास रात रुकने के लिए भी जगह नहीं है इतने पैसे नहीं है कि वो कहीं जाकर अपने लिए रात का आशरा ले सके ही बाय गॉड दैट ही स्पोक द ट्रुथ उसने कहा भगवान के लिए वो सच बोल रहा है भगवान की कसम खा के बोलता है ही हैड बीन अ स्कूल टीचर इन अ विलेज फॉर एट ईयर बट लॉस दैट जॉब ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कोलीग्स फॉर द लास्ट वन ईयर ही विदाउट वर्क ये सब उसके हीसी लोगों की कॉन्सपरेसी लोग जो होते हैं साथ में जो वर्क करते हैं उन्होंने ऐसी कॉन्सपरेसी की कि उसके जो रेपुटेशन को जो है रेपुटेशन खराब कर दी उसकी जॉब वहां से चली गई एक साल हो गया वो विदाउट जॉब है समझ में आ गया ये पैराग्राफ on next paragraph the advocate sergi looked at the ragged flawn colored overcoat of the supplement at his dull drunken eyes at the red spot on either cheeks and it seemed to him as it he had seen this man somewhere before अब यहाँ पे जो है वो एडवोकेट था जो जिसके सामने जो बेगर भीख मांग रहा था उनका नाम जर्गी था उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये जो है उसके कपड़े कैसे थे उसको बिल्कुल रैग्स जो थे उसके फॉन कलर ओवर कोड था और वो जो है व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि कुछ संबंध इन पावर जब किसी के पास कुछ ओधा होगा जब तो उस टाइप के पहनता होगा वैसा वो लग रहा था उसके जो गाल है वो रेड हो चुके थे ठंड के कारण हम कह सकते हैं मगर उसकी आंखें जो है वो डल लग रही थी क्योंकि वो ड्रंकन था पिया हुआ था उसने अल्कोहल पी रखी थी उसके गाल जो है दोनों तरफ से रेड हो चुके थे उसको देख के ऐसा लगा था कहीं उन्होंने उसे देखा है पहले आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा द वेंट ऑन बट आई द मनी टू गेट दैर हेल्प मी काइंडली आई एम अशेम टू आस्क बट आई एम टू अब पे जो है एडवोकेट है वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास एक ऑफर है मैं एक ऑफर देना चाहता हूं तुम्हें Uh, की जॉब है मेरे पास अ स्टेट ऑफ कलुगा इन रशिया नहीं वहां पे बेगा क्या कहता है बेगा कंटिन्यू दैट ही हैड गॉट एन ऑफर ऑफ अ जॉब उसके पास एक जॉब का ऑफर भी आया था उसके बाद कहाँ पर अ स्टेट ऑफ कलुगा इन रशिया मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे उस जगह पे जाने के लिए ही तो वॉन्ट वो अशेम्ड फील कर रहा था इसलिए वो कह रहा था कि मैं, मैं पोजिशन में अच्छा हूं मैं रिपीटेड व्यक्ति हूँ मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूं मैं क्या करूं मेरी सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे फोर्स कर रहा है बैक करने के लिए इसलिए मैं यहाँ पर बैक कर रहा हूं सर्गीज आइज फेल ऑन द मैं ओवर शूज वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर लो एंड सडनली रिम्बर्ड समथिंग अब यहाँ पर जो है यहां पर जो है सर्गी के जो ध्यान कहा गया उसके व्यक्ति के जूतों पे गया वो जूते कैसे थे एक था वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर वॉज लो ऐसा लग रहा था कि दोनों जूतों में कुछ डिफरेंस है और इसको देख के उनको कुछ याद आ गया कैसे मतलब उनका एक का हिल टूट गया होगा तो एक ऊंचा लग रहा था जूता और एक नीचे लग रहा था उसे क्या अलग लगा देखते हैं लुक हियर इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे एंड So street, he said. But you 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 told me then that you are a a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब उसने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने तुमको एक दिन पहले देखा था कहीं जगह का नाम बताया स्ट्रीट यहाँ पर मैंने आपको एक दिन पहले मिले थे और आपने मुझे बोला कि आप स्टूडेंट हो और आप स्कूल से भगाया गए हो नॉट अ विलेज से और आपने बोला था स्कूल टीचर नहीं बोला था नॉट अ विलेज स्कूल टीचर डू यू रिमेबर ऐसे यहाँ पर जो एडवोकेट है वो बोलते हैं एडवोकेट है बिल्कुल करते सब चीजों को तो उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा मुझे बोला था अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पर yes. बेगर नो नो दैट कैन बी सो मम द बेगर टेकन बैक आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स उसने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वो बार हुए बोलता है मैं एक स्कूल टीचर हूं अगर आप चाहो तो मैं अपने पेपर्स बता सकता हूँ ऐसा वो बोलता है प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स बता सकता है ऐसा वो बोलता है हैव डन लाइंग यू कॉल्ड स्टूडेंट एंड इवन टूडे टोल्ड मी दैट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर डोंट यू रिमेंबर वो एडवोकेट वापस बोल रहा है क्या बोल रहा है यहाँ पे वो बोल रहा है कि ही हैड लाइट इनअ वो झूठ बोल रहा है ही वो बोल रहा है बेगर को क्या बोल रहा है कि उसने बोला था कि वो स्टूडेंट है एंड वो बोला रीजन भी बताया कि उसको एक्सपेल किया गया फ्रॉम दिस उसके जगह से उसके स्कूल से उसको बाहर निकाल दिया गया ऐसा उसने बोला मगर यहाँ पे सर्गी फ्लश एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएटर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट अब यहाँ पे जो है सगी ने जो है एडवोकेट ने जो क्या करा उसने वो उसे अच्छा नहीं लगा उसने कहा कि ये कैसा बोल रहा है जो व्यक्ति जिसने ऐसे पहन रखा है वो डिसअप्रूव करता है उसके बातों का फीलिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ और स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल उसके मन में आया सगी का क्योंकि वो व्यक्ति जो एक दिन पहले मिला था एक बार बोला था कि वो स्टूडेंट है फिर वो बोल रहा है कि वो स्कूल टीचर है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे उसके एक्सप्लेनेशन से उस बगैर के बोलने से झूठ बोलने से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके थे यहाँ पर सर्गी वॉज एंगर एंड टर्न अवे फ्रॉम द बेगर बहुत गुस्से में थे और से यू डैम यू अब यहाँ पे जो है वो क्या बोलता है वो, वो, वो चिल्लाता है वो कहता है सर ये डिसऑनेस्ट है आ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो तो मगर तो वो क्या बोलता है सर्गी क्या कहता है चीट सर्गी कुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस वो जो है उसको चीट था तो पुलिस को उसके हैंड ओवर कर सकता है ऐसे सर कि यहाँ पर कहता है यहाँ पर वो बोलता है कि डिसऑनेस्ट सर माइडियर सर ऐसे बैग करता है यहाँ पर वो कौन वो बैगर और जोर से चिल्ला देता है अंग्रेली मगर यहाँ पर जो है वो एडवोकेट क्या कहते हैं दिस इज स्विंगलिंग वो कहते हैं कि आप चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू डैम यू ऐसा वो बोलते हैं अब वो बोलते हैं कि मैं पुलिस को भेज दूंगा तुमने जो चीटिंग की है तुम पैसे के लिए तुम चीट करते हो लोगों के लिए ऐसा यहाँ पर एडवोकेट बोलते हैं ओके okay? तो हम नेक्स्ट क्लास में आपके इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे होप आपको यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा हैप्पी नाइस डे